गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एसके। मैं हूं आपका सौरभ कुमार। मैं आपके लिए लेकर आया हूं गवर्नमेंट स्कीम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पर जो भी नया आया है या जो भी हैं जिन्होंने भी विजिट किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी और वीडियोज बना सकूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो योजना है उसका नाम है राइज योजना। ये हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि इसमें अगर ये योजनाएं एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम में नहीं भी आए, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि जो एग्जामिनर है या इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस उठा लेता है। तो राइज योजना, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये राइज योजना का लोगो है जिसमें डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण दिया हुआ है। शिक्षक प्रशिक्षण जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये है हमारा राइज योजना जो सीएम के द्वारा निकाली गई है, चलाई गई है, और हम देखते हैं क्या चीज है ये। इस योजना के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें राइज जो है, RISE, इसकी फुल फॉर्म है रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो बजट घोषित हुआ था 2018-19 में, उसमें ही इस योजना के बारे में घोषणा की गई थी। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल, और यह जो था ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल के द्वारा किया गया था। और नोडल एजेंसी, जो इस योजना की नोडल एजेंसी है वह है हेफा, जिसका नाम है हायर एजुकेशन फिनांसिंग एजेंसी, हेफा। और इस पहल का जो लक्ष्य है वो हम देख लेते हैं। इसमें स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान व बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना, यानी कि जो स्वास्थ्य संस्थान है, मेडिकल संस्थान, मेडिकल कॉलेजेस जो है, वहां पर जो शिक्षण संस्थान होते हैं, जो पढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थान, वहां पर अनुसंधान रिसर्च सेंटर जो होते हैं, उनके जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें निवेश करना, गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाएगी ताकि जो स्टूडेंट है उसमें ढंग से अनुसंधान कर सके, रिसर्च कर सके। तो नेक्स्ट देखते हैं, और इस योजना के बारे में दिया है अगले 4 सालों में 1,00,000 करोड़ के निवेश के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। मतलब कि 4 सालों में इसकी शुरुआत की गई थी 1,00,000 करोड़ के निवेश के साथ। और यह जो है केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, IITs जो हैं, IIMs जो है मैनेजमेंट वाले हैं, और NITs और IISER आदि में, आदि की अवसंरचना व रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सुधार करना, यानी इनमें जितने भी अनुसंधान कार्य या रिसर्च होते हैं उन सब में सुधार करने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक हेफा जो है जिसके अंडर में इस योजना को संचालित किया जा रहा है, हेफा। तो नॉन बैंकिंग कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब इसके अंदर जो हेफा होती है वो एक है नॉन बैंकिंग कंपनी है और नॉट फॉर प्रॉफिट। और फिर और कह रहा है केनरा बैंक एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त उपक्रम है। हेफा जो है केनरा बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका संचालित किया जा रहा है, ये उसका उपक्रम है। और भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक अवसंरचना का विकास, और भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में जो शैक्षिक अवसंरचना है उनके ढांचों को मजबूत करने, उनको विकास करने के लिए हेफा का मतलब निर्माण किया गया है। और रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, हेफा का एक कार्य ये भी है कि ये रिसर्च करने वाले जो स्टूडेंट हैं और डेवलपमेंट के लिए जो स्टूडेंट, उनको फेलोशिप के थ्रू वित्तीय सहायता प्राप्त कराना, स्कॉलरशिप या फेलोशिप मतलब देना, और समय पर कम ब्याज दरों में वित्त उपलब्ध कराना, और कम ब्याज दरों पर ये लोन वगैरह भी उपलब्ध करा देते हैं एजुकेशन के लिए समय पर। और CSR जिसका नाम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एवं अनुदान की सहायता से वित्त का प्रबंधन, तो CSR के थ्रू ही वित्त का जो अनुदान राशि या जो फेलोशिप मिलती है वो सबका वित्त का प्रबंधन किया जाता है CSR के थ्रू। और कुल पूंजी इसमें है, इस जो है योजना जो चलाई गई है इसकी कुल पूंजी 2,000 करोड़ रुपए है, 2,000 करोड़ रुपए।
तो आज का हमारा जो योजना थी वो थी राइज योजना। तो कैसी लगी यह योजना कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।